नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है बड़ी बहस का और आज हम बड़ी बहस में बात करेंगे कारगिल के युद्ध की, जिसके विजय दिवस को लेकर के आज पूरा हिंदुस्तान 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। हालांकि अलग बात है कि इस विजय गाथा को हमारे देश के बहादुर जवानों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर अपने खून से लिखा है। श्रीनगर के लेह राजमार्ग से जब टाइगर हिल और तोलोलिंग की चोटियों पर नजर जाती है तो कैप्टन विक्रम बत्रा का ये दिल मांगे मोड़ जैसे शब्द याद आ जाते हैं। जरा सोचिए कि किस तरह का शेरदिल अधिकारी रहा होगा जो जानता है कि पहाड़ियों की चोटियों पर ऊपर से दुश्मन ने बंदूक से सिर पर निशाना साध रखा हो, लेकिन फिर भी कह रहा है कि दिल मांगे मोड़। इन रणबांकुरों ने उस समय जैसे किसी चीज की परवाह ही नहीं की थी, वो चोटियों पर तिरंगा फहराने के बाद दूसरे अभियान पर निकलने के लिए उतावले थे। पलटन में भर्ती होते समय जो कसम उन वीर जवानों ने ली थी उसे उन्होंने पूरा करके दिखाया। इस युद्ध में हमारे 527 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, इनके अलावा 1300 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश 30 साल से कम उम्र के थे और खास बात यह भी है कि 527 शहीदों में से अकेले राजस्थान के 52 जवान थे। इन 52 वीर शहीदों में से 22 जवान सिर्फ झुंझुनू जिले के थे, मतलब कि राजस्थान से शहीद होने वाले वीर सपूतों में हर दूसरा बहादुर बेटा झुंझुनू का था। देश में जब भी कारगिल युद्ध का जिक्र होगा तब तक राजस्थान के नाम और खासतौर पर झुंझुनू जिले के नाम को गौरव से लिया जाएगा। राजस्थान का कारगिल के उन जवानों को तहदिल से सलाम, उन सैनिकों को जन्म देने वाली शेरनियों को भी सलाम और उन वीरांगनाओं को भी सलाम जिन्होंने अपने सुहाग की शहादत पर रंज करने के बजाय फक्र होता है और यही संस्कार अपने बच्चों में भी डाले जा रहे हैं। ये बात कारगिल के हमारे बहादुर वीर जवानों की, लेकिन बड़ा सवाल यह कि कारगिल से हमने जो सबक सीखे थे उनको हमारी सरकारों, अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स ने कितना जमीन पर उतारने में कामयाबी हासिल की या कितना जमीन पर उतार पाए। क्या जो पाकिस्तान आज हर समय दोस्ती का राग गा रहा है अब भी उसके इरादे बदले हैं, या फिर कारगिल के रूप में चौथी बार शिकस्त खाने के बाद भी वो अभी भी सामने से दोस्ती और पीठ पीछे खंजर घोंपने की नियत पर चल रहा है। सवाल यह भी है कि हमारी रक्षा तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं, क्योंकि हमने एक नहीं दो दो मोर्चों पर हर समय खतरा मंडराता देखा है। पश्चिम में पाकिस्तान है तो उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन है। कारगिल में अगर हमारे जवानों ने विजय गाथा लिखी तो एक तरह से इसे मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि ये हमारी खुफिया एजेंसियों की नाकामी भी थी जिनको पाकिस्तान की तरफ से इतनी बड़ी घुसपैठ की भनक तक नहीं लग पाई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हमारी खुफिया एजेंसियां अब चुस्त दुरुस्त हो गई हैं, इस युद्ध के बाद और ज़्यादा दुरुस्त होकर के काम कर रही हैं। जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हमारी सरकारों ने क्या उनके परिवारों के साथ के वादों को निभाया है, इन तमाम मुद्दों पर अपने खास मेहमानों से आज हम चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम कारगिल विजय दिवस की कर रहे हैं क्योंकि आज ये मौका है अपने शहीदों को नमन करने का, उन्हें याद करने का, उनके शौर्य और वीरता की गाथाओं को आम जनता तक पहुंचाने का। इसलिए ये तस्वीरें जरा पहले देखिए कि आज किस तरह से हमारे वीर सपूतों को हमने नमन किया, उनको याद किया और उनको सलाम किया। ये देश आज कृतज्ञ है उन तमाम शहीदों के लिए जिन शहीदों के बदौलत आज हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। पाकिस्तान की निगाहें लगातार सरहद पर दहशतगर्दी को फैलाने की रहती है, लेकिन यही हमारे वो जांबाज सिपाही हैं, वीर जवान सपूत हैं जिनकी बदौलत इस देश की सीमाएं आज सुरक्षित हैं। तमाम जगहों पर, ऐसे जगहों पर जो कि मानव रहने के लिहाज से काफ़ी दुर्गम इलाके माने जाते हैं, चाहे वो पहाड़ों की चोटियाँ हों या फिर बिल्कुल रेगिस्तानी वो इलाके जो बारिश, सर्दी और गर्मी में अलग अलग तरीके से ऐसे स्थान हो जाते हैं जहां पर जाना भी दुर्गम हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे जवान दिन रात सेना पर पहरा देकर के देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिनकी बदौलत आज ये देश गौरवान्वित है। और हम अपने तमाम सपूतों को, हम अपने तमाम शहीदों को तहदिल से नमन करते हैं। इंडिया न्यूज़ के परिवार के साथ साथ पूरे राजस्थान की जनता की ओर से एक बार फिर से हम उन्हें सलाम करते हैं, नमन करते हैं और उनकी वीर गाथाओं को याद करते हुए उन्हें सलामी देते हैं। दरअसल ये तस्वीरें हमारी शौर्य गाथाओं के साथ साथ राजस्थान की वीरता, अखंडता और देश को लेकर के हमारी सोच को प्रदर्शित करती हैं और इसलिए भी
क्योंकि जब जब भी देश की आन बान और शान पर किसी तरह की कोई आंच आई है, हमारे रणबांकुरों ने, हमारे जवानों ने, हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शौर्य गाथाओं से एक अलग इतिहास लिखा है। ऐसा ही इतिहास कारगिल के युद्ध में लिखा गया था। आज उसको आप याद कर रहे हैं, आपके जहन में वो तमाम बातें हैं, उन तमाम इलाकों में जहाँ पर शहीदों की प्रतिमाएँ आज भी हम सबको वीरता का पाठ पढ़ाते हुए नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारे वीर सपूत हमारे बीच से गए नहीं हैं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। हम सबको ये सीख देने के लिए कि वीरता और यहाँ की शौर्य गाथाएँ यहाँ की मिट्टी में हैं, कण कण में हैं, हर नौजवान में हैं, बच्चों में हैं और बुजुर्गों में, महिलाओं में हैं, तमाम लोगों में हैं। और यही इस देश को सबसे महान बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग जाति और धर्म के बावजूद भी हमारी वीरता, हमारी शौर्यता की जो कहानियाँ हैं वो हम सब के बीच में हैं और दुश्मन देश को डराने के लिए काफ़ी हैं, साथ ही दुश्मनों को ये बताने के लिए भी काफ़ी हैं कि इस देश में अनेकों वीर हैं। एक वीर शहीद होता है तो वैसे ही हम हजार वीर पैदा करते हैं जो देश के लिए हमेशा कुर्बान होने के लिए लालायित होते हैं, तैयार रहते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे बड़ी बहस में। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा दूं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल देवानंद साहब लामरोड हैं, पूर्व सेना के अधिकारी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ कर्नल नीरज मेहरा साहब हैं, पूर्व सेना के अधिकारी हैं आप भी, प्रहलाद महिला हैं, कारगिल के योद्धा हैं, और साथ ही मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में हमारे राजनीतिक संपादक प्रताप राव भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज क्योंकि वीरता का दिन है, शौर्य को याद करने का दिन है, हमारे सपूतों को, हमारे वीरों को नमन करने का दिन है, इसलिए सबसे पहले मैं उनको सलाम करते हुए कर्नल नीरज मेहरा साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि आप अपने शब्दों में आज के दिन को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने साथी जिनको हम साथ वापस नहीं ला पाए उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। आज का दिन भारतीय सेना के इतिहास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, जबकि एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो दूसरी सेनाओं के लिए मेरे ख्याल से लगभग असंभव है। जहां हमने 16 से 18 20 हजार तक की फुट की ऊंचाइयों से एक बंकर में बैठे हुए दुश्मन को निकाल के उखाड़ के फेंक दिया, ये सिर्फ भारतीय सेना का ही बूता था जो ये कर पाई। तो ये एक यादगार दिन है और पूरे विश्व के लिए भी ये देखने वाली बात थी कि ये भारतीय सेना ये कैसे अचीव करेगी, एक लगभग असंभव टास्क थी। जी देवानंद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन देश के इतिहास में और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम अपने वीर सैनिकों को याद करते हैं, उनके शहादत को याद करते हैं, तो हमारे शरीर का ज़रा ज़रा जो है वो वीरता की इन बातों को लेकर के पूरी तरह से तैयार होता हुआ नज़र आता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर पूरे देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। जी मैं 527 शहीदों को नमन करते हुए आज के दिन के लिए इतना कहना चाहूँगा कि ये वो 3 मई 1999 से लेकर के 26 जुलाई 1999 तक का जो समय था वो भारतवर्ष के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में खोदा गया और जिसमें इन भारतीय वीर सपूतों की गाथाएं स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं, जो दुनिया में एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में विजय हासिल करने के साथ साथ दुश्मन के उन गद्दारों को सही जगह पहुंचाया और हमारी जो एलओसी के इस तरफ जो जगह थी हमने वापस प्राप्त की। मैं यहीं पर ही बताना चाहूंगा कि कारगिल युद्ध दो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स के बीच में था और वो हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में जो 1600 फीट से लेकर के 1800 फीट की ऊंचाई में रहने वाले जो पोस्टों के ऊपर था। और यहां पर एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि सर्दियों के समय दोनों देश की जो एलओसी के ऊपर सेनाएं थी, दिसंबर जनवरी के महीने में जब बर्फ ज्यादा गिर जाया करती थी चोटियों पे, वो पोस्ट को वेकेट कर देते थे और उनको कहते थे विंटर वेकेटेड पोस्ट, और जब नीचे आ जाया करते थे। लेकिन 1998 की वो जो सर्दी की जो समय आया था, पाकिस्तान ने धोखा किया, अपने सैनिकों को विड्रॉ नहीं किया और हिंदुस्तानी सेनाएं अपने नीचे जो बेस थी उनमें आ गई और फरवरी महीने के अंदर से लेकर के मई तक
पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को उन 130 पोस्ट जो हिंदुस्तान ने विंटर्स में वेकेट की थी वहां पर आकर बैठ गया, और उसका मकसद एक था कि जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो श्रीनगर से ले को जोड़ता है उसको कट ऑफ करते हुए अपनी, और कभी भी खाली करने का इरादा नहीं था, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको खाली करनी पड़ेंगी ये चोटियां, और कभी उनकी पराजय भी हो सकती है। और इस पराजय के लिए और इस हमारी विजय के लिए उन 527 वीर शहीदों को और 1363 जो मेरे साथ बैठे हैं ऐसे जो सैनिक उस लड़ाई के अंदर घायल हुए थे उनको नमन, उनकी बहादुरी को मेरा सल्यूट। जी प्रहलाद साहब आगे बढ़ेंगे, उससे पहले इंडिया न्यूज परिवार की ओर से और पूरे राजस्थान की तरफ से आपके अदम्य साहस, शौर्य और वीरता को सलाम करते हैं, और साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं कि दरअसल आप उस ऐतिहासिक युद्ध के गवाह रहे हैं, आपने उसमें भाग लिया, किस तरह की वो परिस्थितियां थी, आप अपने शब्दों में कारगिल विजय को किस तरह से देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो मेरे साथी 527 जो शहीद हुए थे उनको मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उनकी जो माएँ हैं जिन्होंने ऐसे जो कारगिल के पहाड़ थे उससे भी बड़े योद्धा पैदा करके जहाँ युद्ध के अंदर भेजे थे उनको, उन माओं को नमन करता हूँ। मैं प्रहलाद सिंह खुद स्वच्छ ग्रेनेडर का वहाँ डिप्लॉय था, मेरी यूनिट द्राज के अंदर थी और मैं कमांडो टीम का सदस्य था वहाँ पे। और जब हमें पता चला कि वहाँ पे घुसपैठ हुई है तो हमारे कमांडो ने वहाँ पे मीटिंग बुलाई और हमारी टीम को तैयार करके कमांडो टीम को और हमारे को द्राज की बजाय जुबेर हिल के ऊपर पीछे से जा कर के उनको कैप्चर करने के लिए और वहाँ पे उनको रोक के रखने के लिए, क्योंकि शुरू में जब पता चला था तो उग्रवादी हैं, तो हम जब 12,000 की आइट पे बैठे थे और वो बैठे हुए थे 18,000 की हाइट पे, तो वहां चलना 6,000 ऊंचाई पे चढ़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम हमारा हथियार अमनेशन खाना पीना जो भी चीज थी वो लेकर के गए। हम जाकर के 7 मई की रात को 4 बजे दिए हुए टास्क के ऊपर जुबेर हिल को घेर करके वहां पहुंच चुके थे। वहां के ऊपर जब सुबह फर्स्ट लाइट हुई तो वहां पे पाकिस्तान की सेना को पता चला कि यहाँ पे तो हिंदुस्तान की सेना आ गई, हमारे को घेर लिया है, तो उन्होंने हड़बड़ाहट के अंदर आरटी मोटर और रॉकेट लॉन्चरों पे हमारे ऊपर जबरदस्त हमला किया। और जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने देखा कि वो शायद खत्म हो गए होंगे, तो उन्होंने हमारे ऊपर रेड भी मारा, रेड मारा, उस रेड को हमने फेल कर दिया। उसके बाद उन्होंने वापिस वो चले गए, कुछ मर गए वहीं पे। उसके बाद में हमने पीछे हमारे कमांडरों को रिपोर्ट दी कि यहाँ पे घुसपैठिए नहीं है, यहाँ तो पाकिस्तान की एक्टिव आर्मी है, क्योंकि इनका लड़ाई लड़ने का जो तरीका है वो सेना जैसा है। तो उनका जो बटालियन हेडक्वार्टर था 5 ब्लूज का, उसको हमने घेर के रखा हुआ था, रातों रात उसी को घेर लिया था। तो बटालियन हेडक्वार्टर की पोजिशन बताई, जिसके ऊपर पीछे से एक हमारी कंपनी आकर के और पीछे से चल दी थी, हमारे कमांडर साहब मेहरा साहब बैठे हैं, इनकी यूनिट 22 ग्रेनेडर भी वहां से चल दी थी और एक पैरा कमांडो की यूनिट ऊपर से ड्रॉप कर चुकी थी, लेकिन वो वहां हमारे तक पहुंचने के लिए उनसे लड़ना बहुत जरूरी था। जो ही शाम का टाइम हुआ उन्होंने लास्ट अटैक किया हमारे पे, हमने वो अटैक भी फेल कर दिया। इतने में सागवान साहब, मेजर सागवान वहां से कंपनी लेके घुस गए, जो घायल हुए थे मतलब 4 शहीद हो गए थे और बाकी सारे घायल हो गए थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वहां पे पूछना एक भगवान भरोसे होता है, इतनी हाइट पे जाना इनसे लड़ना, इतनी एक बटालियन के सामने 20 आदमी कुछ भी नहीं होते उनसे लड़ना, फिर एक कंपनी अंदर आ गई। सागवान साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ, इतना योद्धा था कि वो अंदर इतनी बहती हुई गोलियों के अंदर से लेकर के एक कंपनी घुस गया और शहीदों को और हमारे को वापिस पीछे किया और वहां पे कब्जा कर लिया। उसके बाद में 22 ग्रेनेडर वहां गई है, उन्होंने कब्जा किया है, पैरा रेजिमेंट वहां गई है, उन्होंने कब्जा किया, वो कब्जा लास्ट में पाकिस्तान की हार का कारण बना था। जी चलिए आपके पास वापस आएंगे, लेकिन प्रताप जी जो कारगिल विजय दिवस आज हम मना रहे हैं, शहीदों को नमन कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ हेमंत, वो घटनाएं दोबारा, क्योंकि 2 दशक हो गए वो घटनाएं दोबारा याद आ रही हैं। उस समय मैं रिपोर्टिंग में था, जयपुर के एक जो लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज, उनके जो जीजा हैं वो मेरे मित्र हैं, एक दिन उन्होंने कहा कि
अरे प्रताप, मेरे जो साला है वो वहाँ कारगिल में था, लेकिन उसकी कोई सूचना नहीं मिल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं। कोई है क्या मिलिट्री में कोई जानकार? तो इस बीच में हम जब खोज कर रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, इतने में पता लगता है कि वहाँ तो बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ चुके हैं। और बाद में पता लगा कि जब एक घुसपैठ की सूचना मिली और एक टुकड़ी जब लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज के साथ आगे गई और उस पर जब पाकिस्तानी जो वहाँ घुसपैठ किए हुए बैठे थे उन्होंने जब हमला किया तो उसमें उनकी शहादत हो गई थी, ऐसी सूचना बाद में मिली, उनके कोई 15 दिन बाद बॉडी आई। लेकिन वो घटनाएं मुझे याद आती हैं कि लगातार उसके बाद जिस तरह से कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हेमंत बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों में नहीं था। वो युद्ध ऐसा था कि जब हम बड़े सेनानियों से बात करते हैं, हमारे सेना के अधिकारियों से और जवानों से बात करते हैं, तो पता लगता है कि रोंगटे खड़े कर देता है। वो हमारे पुरानी हमारे रणबांकुरों की याद दिला देता है, जो जिस तरह से महाभारत का युद्ध हुआ था या उसके बाद के जो भी बड़े बड़े युद्ध हुए जहां रणबांकुरों ने जिस तरह से अपनी शौर्य और वीरता की जो कहानियां गढ़ी, वही वैसी ही कहानी कहीं कारगिल में गढ़ी गई थी। हेमंत, सबसे बड़ी बात यह है कि कारगिल का युद्ध शायद दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान था और एक केवल भारतीय सेना है दुनिया में जो इस तरह के ध्रुव और दुष इलाके, जो एकदम जो कठिन इलाके होते हैं उनमें जीतने की, क्योंकि हम जानते हैं कि इसराइल का युद्ध कहते हैं हाइफा का युद्ध, वो भी ऐसा ही था कि ऊपर दुश्मन की सेना थी जर्मन सेना, नीचे ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश सेना उससे लड़ नहीं पाई, भाग गई। तब जोधपुर रिसाला और मैसूर रिसाला को लगाया गया और उन्होंने हाइफा पर कब्जा किया। कुल मिलाकर मैंने यही बात ऐसे सुनी थी, जनरल जोरावर सिंह जो कि भारतीय सेना में बड़े अधिकारी रहे, उनकी पत्नी ने बताई, वो एथेंस की थी, एथेंस पे जर्मन्स का कब्जा था। ऐसे समय में जर्मन से मुक्त कराने के लिए वहां जब अंग्रेज सफल नहीं हो सके, मित्र सेना सफल नहीं हो सकी, तो भारतीयों को वहां लगाया गया था और भारतीयों ने जाकर जर्मन सेना को भगाया था। यानी कि हेमंत, हम समझ सकते हैं कि हमारे देश के रणबांकुरे किस तरह से लोहा लेते हैं। कुल मिलाकर कारगिल की एक जो विजय थी, कारगिल में का जो युद्ध था, निश्चित तौर पे हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय था कि हमारे देश पे घुसपैठ हुई और सारी बातें हुई, लेकिन इस युद्ध ने एक बात तो दुनिया में बता दी कि भारतीयों से लड़ने का पंगा कोई दुनिया में नहीं ले, क्योंकि कैसी भी ऊंचाई हो, कितनी भी गहराई हो, अंतरिक्ष हो या पाताल हो, कहीं भी भारत अपने भारत के लोग अपनी मातृभूमि के मान मर्यादा में एक इंच भी फर्क नहीं आने देंगे। भारत की मान मर्यादा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। भारत के जो जज्बाती जो जवान हैं वो पूरी तरह से मर मिट के अपनी आन बान शान के लिए खेल जाएंगे। ये कारगिल का युद्ध हमें बताता है और ये कारगिल का युद्ध के परिणाम जो हमें बताते हैं, इसलिए आज हम आज संतोष के साथ या गर्व के साथ सीना उठाकर इसलिए चल सकते हैं कि हमारे पास ऐसी सेना है, हमारे पास ऐसे रणबांकुरे हैं जो दुनिया में बेजोड़ हैं और जिनके चलते हमारी भारत अखंड है और हमारी भारत की भूमि जो है अक्षुण्ण है। जी कारगिल मेहरा, आपने करीब से देखा, आप लगातार नज़र भी बनाए हुए थे और ये युद्ध बाकी युद्धों, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में भी युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कारगिल से पहले युद्ध हुआ, ये युद्ध किस तरह से आप अलग मानते हैं? क्या हमने इस युद्ध से सीखा है? क्या दुनिया को सिखाया? देखिए, चाइना और 62 की या 65 की या 71 की जो भी लड़ाई हुई है, चाइना की और छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी युद्धों में शुरू से ही चाइना के भी में शुरू से ही रेगुलर आर्मी के खिलाफ पिश थी, आपस में लड़ाई हुई है, वहाँ भी हाई एल्टीट्यूड था चाइना लड़ाई में, लेकिन जिस तरीके का हाई एल्टीट्यूड एरिया दराज और कारगिल इस इलाके में है, वैसा इलाका शायद चुशूल में एक आध जगह मिले, बाकी नहीं है। इतनी दुर्गम पहाड़ियां हैं जिसके ऊपर रेजर एज टाइप की उनकी चोटियां हैं, एक चोटी से दूसरी चोटी जाने का जो रास्ता है अतर सकरा है, और आखिर की जो 100 गज 50 गज की जो चढ़ाई है वो सीधी खड़ी हुई चट्टाने हैं जिस पे चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। ये अटैक हमने पिस्ट बैटल जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी तरह बंकरों में रहने वाले दुश्मन से लड़ी है, जबकि चाइना में हमारे पर हमला हुआ, पाकिस्तान का 65 और 71 का युद्ध नॉर्मली पंजाब और कश्मीर में हुआ जहां पर इतनी कड़ी पहाड़ियां नहीं थी। लेकिन हर युद्ध में पहले वाले युद्ध करने वाले बोलते हैं कि हमारे टाइम में
यंग ऑफिसर्स और जवान बहुत तगड़े थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले युद्ध में भी हमारे यंग ऑफिसर्स और यंग जवान ही अपना जौहर दिखाएंगे, दिखाते रहे हैं, उसमें हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि आजकल का ऑफिसर थोड़ा कमज़ोर आ रहा है या जवान थोड़ा कमज़ोर आ रहा है, बेसिकल स्टॉक जो है गांव का नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ी है हमारे यंग ऑफिसर्स और हमारे यंग जवानों ने अपना खून बहाकर मातृभूमि की रक्षा की है। जहाँ तक लड़ाई के पैटर्न की का सवाल है तो डेफिनेटली ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। आखिर की जो 100-150 गज की चढ़ाइयाँ थी रस्से से चढ़ के, जो किसी भी युद्ध में हमने नहीं देखा है, रस्सों से चढ़ के और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पर जाके किया है, जो कि एक तरीके से असंभव तरीके से असंभव था। तो ये फ़र्क था बाकी युद्धों से। बाकी जज्बे में, जोश में, वतन परस्ती में कोई कमी कहीं भी नहीं। लेकिन नीरज, मेरा सवाल ये था कि आखिरकार कारगिल के युद्ध से हमने क्या कुछ सीखा, क्या दुनिया को भी कुछ संदेश दिया, दुनिया को भी हमने कुछ सिखाया? देखिए, हमने जो सीखा है, सबसे पहले हमारे में इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कमी थी जी। मैं खुद एक कमांड अधिकारी था कारगिल के युद्ध में, और हमें बार बार यही बता जा रहा था कि 15 से 20 आतंकवादी बैठे हुए हैं, 5-7 पॉइंट के ऊपर जो हमला हमने किया है, और उसके बाद जो लाशें गिनी हमने दुश्मन की, तकरीबन 30 लाशें दुश्मन की थी। अगर हम मान लें कि दुश्मन के 25% कैजुअल्टीज हुई जिनको वो छोड़ के चले गए, तो तकरीबन एक कंपनी प्लस थी वहां पर जिसपे हमारी कंपनी ने हमला किया था, जो कि कभी होता नहीं है। पहाड़ों के अंदर हाई एल्टीट्यूड में नॉर्मल लड़ाई के अंदर रेशियो 1:1 होता है, यानी एक दुश्मन पे 3 हमारे होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे ये रेशियो बढ़ के 1:9 हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट 1:1 था। एक तो हमने ये सीखा। दूसरा, जहाँ तक दुनिया को बताने का है सवाल, किस तरीके से इस युद्ध को लड़ा जा सकता है और भारतीय किस तरीके से अपनी ज़मीन के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कुछ करने का मादा रखते हैं, ये पूरी दुनिया को दिखा दिया जी। कर्नल देवानंद, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? ना होने पर भी जी, मैप अपडेट नहीं होने पर भी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा साहब कि देखिए, कारगिल की इसकी चर्चा के मैं थोड़ा सा सामरिक दृष्टि से आपको इसका इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। कारगिल डिस्ट्रिक्ट है एक जम्मू कश्मीर में, जो श्रीनगर से करीब 200 किलोमीटर और लेह से भी 200-225 किलोमीटर है, और इसके अंदर जो नेशनल हाईवे जाता है उसको ये नॉर्थ के अंदर जितनी पहाड़ियां हैं वहां पर वो पाकिस्तानी कब्जा करके बैठ गए थे, और वो पहाड़ियों से पाकिस्तान कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनको खाली करना पड़ेगा। और जैसे अभी कर्नल मेहरा साहब बता रहे हैं कि यहां के ऊपर जो हमारी गलतियां गिनाने की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि विंटर्स में नीचे आ जाएंगे और फिर वापस ऊपर आ जाएंगे, वो धोखे से आके बैठ गए। और मैं आपको बता दूं कि 12,000 पर दरास है और 18,000 पर वो पोस्ट है, और जो टाइगर हिल है वो तो 17,000 से ऊपर है, तो 6,000 के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ ये भारतीय सैनिक ही है जिसने ये शौर्य और वीरता का काम किया है। अब यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए, जोजिला पास से लेकर के लेह के बीच में करीब 100 किलोमीटर की एलओसी के ऊपर 130 पोस्टों पे पाकिस्तानी आके बैठ गए थे, और वहां पर उस समय हमारी भारतीय सेना की एक ब्रिगेड साइज फोर्स डिप्लॉयड थी, और वो टोटल जो एरिया था लेह तक 300 किलोमीटर का जिम्मेवारी था उस ब्रिगेड का, और उस हिसाब से इस 100 किलोमीटर के एरिया में एक बटालियन मात्र डिप्लॉयड थी, जो बहुत कम एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी का था। तो यह सबसे बड़ी कमी हमारी ट्रुप डेफिशिएंसी की थी। नंबर दो जो उस दौर में गलती हुई, क्योंकि हम नीचे आ गए, हमारा सर्वेलेंस जैसे भी कर्नल साहब बता रहे थे वो अच्छे दर्जे का नहीं था। क्यों नहीं था, ऐसे कहना उचित नहीं होगा किसकी गलती है। उस दौर में जो हमारी एयरफोर्स थी उसके पास भी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी सिर्फ मिराज 2000 में थी, एरियल सर्वेलेंस जो सैटेलाइट का था वो भी इतना डेवलप्ड नहीं था,
और तीसरा जो हमारी फिजिकल पेट्रोल जाती थी वो जाती रहती थी, 100 किलोमीटर के एरिया को कवर करना मुमकिन नहीं था, पर गलती थी। पर जो सबसे बड़ी हमारी गलती हुई भारतीय साइड से, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वो भी रही हो, वो इसको पकड़ ही नहीं पाई, मुझे समझ में नहीं आया। और आप देखिए 99 के फरवरी में हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय है वो और नवाज शरीफ एक पैक्ट करते हैं, लाहौर पैक्ट शांति का, और उसी समय उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो अपनी आर्मी को कहता है तुम पहाड़ियों को ऑक्यूपाई करो। ये धोखा इतना बड़ा था कि हमारी इंटेलिजेंसी भी फेल हो गई। और इसके साथ साथ जब ये हमें पता लगा, 3 मई की बात है, जब पहले आकर के पोर्टर ने खबर दी भारतीय सेना के अधिकारियों को जो हमारे दाहिनी तरफ बैठे हमारे साथी इनकी यूनिट जो दरास में थी, कि साहब यहां पर कोई पाकिस्तानी दिख रहे हैं या कोई मिलिटेंट हमें पता नहीं है। 5 मई को हमारे लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया साहब और उनकी टीम जाती है और वो पता कर पाती है थोड़ा बहुत, पर जब तक 20 मई आते आते जो पहली 18 ग्रेनेडियर लॉन्च की जाती है तब तक हमारी सिचुएशन भी क्लियर नहीं थी कि वहां कितना आदमी है। कर्नल मेहरा साहब खुद बता रहे कि हमें पता ही नहीं कहां जाना है, कितने आदमी है। अगर सेना के तौर पे मुझे हमला करना होता तो मेरी एक बटालियन पूरे एक एक मुश्किल से जिसको प्लेटून को हमला करती, पर यहां तो एक कंपनी को कंपनी मैच कर रही थी और ये सिर्फ भारतीय सैनिक है जो ये असंभव कार्य कर सकता था। इसके साथ साथ आगे आइए, भारतीय सेना को जो हमले के लिए बोला गया इंटेलिजेंस थी नहीं, और वहां पर सबसे बड़ी बात यह थी जो सैनिक हमले के लिए गए थे वहां पर, क्योंकि वहां तो एक ही ब्रिगेड थी, उनको बाहर से ले जाया गया हवाई जहाज से, ले में लैंड करवाया गया, वहां से जाते ही हमला नहीं कर सकता साहब, एरिया की रेकी करनी होती है, वो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, सैनिकों को उनको वो एक्लेमेटाइजेशन किया जाता है 10-12 दिन के लिए, एरिया से फेमिलराइज किया जाता है, बड़ी कठिनाई आती, पर फिर भी ये काम किया। अब जब काम किया तो भारतीय जो सिस्टम था जो कारगिल रिपोर्ट में बाद में निकल गया, जब एयरफोर्स को हमने इजाजत दी जाने की, बहुत कठिन था, पहाड़ी इलाका था, जैसे कर्नल साहब बता रहे थे कि वो ब्लड एज जैसे चोटियों पे चलना संभव नहीं होता है, बर्फ से ढकी हुई थी, और मैं आपको बता दूं सारी पहाड़ियां नंगी पहाड़ियां, वहां एक घास का तिनका भी नहीं उगता, इसलिए किलोमीटर दूर से आता हुआ सैनिक नजर आता है। दिन में हम ऑपरेशन कर नहीं सकते, रात में जाएंगे, हमारी जो फायर सपोर्ट थी इवन आर्टिलरी एयरक्राफ्ट वो भी वन डायरेक्शनल थी, एक ही तरफ से गोला मारते डायरेक्ट वाले, और उसमें भी चांस बहुत कम था, तो सामने से हमला करना असंभव। दूसरी तरफ जो पहाड़ी थी जैसे कर्नल मेहरा साहब जिक्र कर रहे थे, सीओ रहे हुए हैं वहां, इन्होंने अपनी नजरों से देखा, देखा मैंने भी है, पर जो कमांडिंग ऑफिसर की नजर होती है वो दूसरी होती है, वो पीछे स्टीप क्लाइंब 100 फीट का एरिया होता था, उधर से कैसे चढ़े ये लोग वीर गाथा है। एयरफोर्स को भी जब एम्प्लॉय किया भारतीय सरकार ने, पता नहीं क्या दिक्कत है भारत सरकार के प्लानर्स को, इनको बोला गया कि आप एलओसी को क्रॉस नहीं कर सकते। अब साहब आप बताएं, एलओसी को ये लाइन स्ट्रेट थोड़ी खींची है, ये 1947 में एक सांप की शेप है, और कोई वहां मार्किंग नहीं होती। मैं आपको बता दूं, मैं भी कमांडिंग ऑफिसर उसी एलओसी पे था, अंदाजे है उधर पाकिस्तान इधर हम, और उसके ऊपर कहते हैं आप एलओसी क्रॉस नहीं करोगे। और उस समय जब क्रॉस किया तो हमारे पास नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी, लेजर गाइडेड बॉम्ब पहली बार इस्तेमाल किए गए थे। तो इस तरह की कठिन परिस्थिति थी वहां पर सामरिक और सैनिक तौर पे। अब यहां एक सबसे बड़ी बात है कि वहां जब ब्रिगेड थी, जो हमारा एमुनेशन था, जो हमारी आर्टिलरी थी, वो तो बहुत कम बाद में आई, और जब तक बिल्डअप करते करते जून के अंदर पहला हमारा अटैक तोलोलिंग पे होता, 18 ग्रेनेडियर्स ने लॉन्च किया और 13 जून में सफलता हासिल की, जो सबसे बड़ी सफलता थी। और उसके बाद हमें आसानी आई टाइगर हिल, जो जाकर के 4 जुलाई को हमने कैप्चर किया। तो इस तरह की परिस्थिति थी, और इस परिस्थिति के अंदर भी जो सैनिकों ने काम किया, और मैं कहूंगा जनता ने जो सपोर्ट किया, वहां के जो लोकल कश्मीरी जो हमारे कारगिल के जो हैं सारे के सारे नागरिक, ज्यादातर चले गए थे, पर जो थे बड़ा उनका समर्थन रहा। तो इस तरह की थोड़ी एक स्थिति थी। यहीं पर ही मैं बताना चाहूंगा कि आप देखिए साहब, 16,000 से लेकर 18,000 हाई ऑल्टीट्यूड, 6 महीने बर्फ से ढके होते हैं, वहां पे सबसे बड़ा सर्वाइवल हमारा सैनिक का होता है वो मौसम के खिलाफ होता है, उस खड़ी चढ़ाई पे जाना, राशन जाना, तूफान आता है, बर्फ आता है, और वहां जवान की मानसिकता देखिए आप,
काफी सैनिक हमारे भारतीय इंफैंट्री सेना के होती हैं और उन्होंने कारनामा करके इस बात को महसूस किया। वाकई वीरता का प्रदर्शन हमारी सेना की ओर से किया गया। बधाई के पात्र हैं साहब कर्नल मेहरा साहब और हमारे साथ में हमारे साथी लगातार हम उनको सैल्यूट करते हैं। प्रहलाद मेहरा साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि उस लड़ाई के वक्त का कोई वाकया जिसे आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हैं, आपके जहन में क्या चल रहा था, आपके दिल में क्या चल रहा था, क्योंकि दुर्गम चोटियां और वहां से ऊपर से जो घुसपैठी और जिस तरह की लगातार बमबारी गोलीबारी हो रही थी, कोई ऐसा वाकया जो दर्शकों से आप साझा करना चाहें? देखिए, जब हम वहां से पूरी कमांडो टीम वहां से निकली थी तो हम यंग थे, सारे के सारे यंग थे। हमारा जो कमांडर था सर्वे लेफ्टिनेंट सर्वे, वो भी यंग था और टोटल के टोटल अंडर 30, 30 साल से नीचे उम्र के थे और उनमें 30 में भी थे, बाकी सब 25 के लगभग 24-25-23 साल के थे। हम जब वहां से निकले तो इतनी लंबी हाइट को हमने 5 तारीख को नाइट में चले, 5 को नाइट, 6 को नाइट, 7 को नाइट के अंदर जाकर के और तकरीबन 48 किलोमीटर चल करके हाइट के अंदर और उनको घेर लिया था। जब हम लड़ रहे थे वहां से तो हमें ये नहीं कि भाई हम मर जाएंगे, ये अटैक होगा, ये होगा, कोई डरने का मतलब ही नहीं था। हमें तो उनकी सूचनाएं दे रहे थे कि साहब ये हो रहा है, अभी ये एक्टिविटीज हो रही है, अभी ये हमला कर रहे हैं, अभी ये फायर आ रहा है, और इसी के अंदर पीछे सूचनाएं भेजते रहे और लड़ते रहे उनसे। तो वहां लड़ने के कोई वो नहीं था वहां पे कि भाई कोई मरने का, सब के सब एक नहीं सब घायल हो गए, डेड हो गए, हमारे 4 साथी खत्म हो गए, लेकिन हमारे अंदर किसी के अंदर भी अविश्वास नहीं हुआ। लास्ट गोली तक लड़ने का हमने प्रण किया था कि लास्ट गोली लास्ट आदमी तक लड़ा जाएगा, जगह नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ी। और वहां पे कंपनी आकर के कब्जा किया और वो कब्जा बरकरार रहा और वो पाकिस्तान की हार का कारण बना। जी प्रताप जी, लेकिन ये पत्रकारिता के लिहाज से भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं, उसके बाद शहीदों की जो समस्याएं, शहीदों के परिजनों की, उस पर हम आएंगे, थोड़ा सा समय उस पर देंगे। लेकिन प्रताप जी, डर का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि सामने एक टारगेट है आपके पास। जी टारगेट है आपके सामने, और वो टारगेट जब तक सामने है, जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होता, तो आपको उस उद्देश्य के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना डर लगता है। हालांकि मैं एक आपको इंटरेस्टिंग एक एपिसोड बताना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। जो हमारी कंपनी के साथ हुआ कि अटैक हुआ और तकरीबन हमारा ये था कि ऊपर तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो अगर डे लाइट हो जाएगी तो ऊपर से दुश्मन हमें पत्थर मार के ही मार देगा, गोली चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, डे लाइट हो रही थी और हम तकरीबन एक कंपनी तकरीबन 100 फुट नीचे रह गई थी, ऊपर बिल्कुल वर्टिकल दीवार थी। हमने डिसाइड किया था कि हम अपना कौमी नारा, अपना रेजिमेंटल नारे की जगह अपना कौमी नारा लगाएंगे जो भगवान के ऊपर होता है। तो इस कंपनी जो कि मुसलमान कंपनी थी, इन्होंने अपना कौमी नारा लगाया, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। ऊपर से पाकिस्तानियों को लगा कि उनकी कुमुक आ गई है, उनकी री एनफोर्समेंट आ गई है, और उन्होंने गाइड किया कि अरे साथी यहाँ कहाँ से आ गए, इधर से आओ, ये रस्सी पकड़ो और ऊपर चढ़ने में मदद करिए। सवेरे होके पता चला कि ये हिंदुस्तानी फौज है, रेस्ट इज हिस्ट्री। स्ट्रेटेजी थी आपकी कर्नल साहब? कर्नल साहब, इस तरह की गाथाएं आप जैसे कर्नलों के, आप जैसे अधिकारियों के कारण कारगिल ने पूरी दिशाएं बदल दी। कर्नल साहब, मैं एक बात बड़ी बताना चाहता हूं, जब मैं होश समाया तब से गाना एक सुनता आया, तेरी जा पे उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम, तेरी धरती पर है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। लेकिन ये समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरे होश संभालने के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ था, मैं समझ में नहीं आता था कि किस तरह से गैरों का कदम को मिटा सकते हैं। लेकिन कारगिल युद्ध के बाद पता लग गया कि दुनिया की कितनी भी ऊंची चोटी हो, चाहे हमारे हिंद महासागर की गहराई हो, कहीं भी दुश्मन की निशान दिखाई देंगे तो हमारे जाबाज उसको पढ़ने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, उसे मिटाकर ही दम लेंगे। ये कारगिल की गाथा कुछ ऐसी ही है जिसने एक बड़ा जोश भर दिया। कारगिल की कहानियां जिस तरह से मैं कई आपके ही अफसरों से सुना, आपके ही रणबांकुरों से सुनी है, किस तरह से किलोमीटर तक रैंक रैंक के गए हैं, जिस तरह से अभी कर्नल देवानंद साहब बता रहे थे कि सुबह के उजाले में ऊपर है दुश्मन और नीचे से हमारी सेना ऊपर चढ़ रही है, किस तरह से रैंक रैंक के इंच दर इंच अपने शरीर को छीलते हुए किस तरह से वो आगे बढ़े थे, निश्चित तौर पर रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन एक बड़ी बात है कर्नल साहब, बड़ा एक उसमें एक कि ऐसा कहते हैं कि जब हमारी सेना वहां गई
तो युद्ध की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि यहाँ तक कि जो बर्फ के जगहों पर पहनने के जो बूट थे वो भी हमारी सेना के पास नहीं थे, कई सैनिकों के पांव तक गल गए थे। क्या स्थिति थी, क्या हमारे पास उस तरह के संसाधन थे? इन संसाधनों के बावजूद किन हालातों में लड़ाई लड़ी? देखिए, जो फौज वहां पर एलसी पे ऑलरेडी थी उनके पास तो सारे संसाधन थे क्योंकि वो वहीं रह रहे थे। सिर्फ उन लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि आपने बटालियन पे बटालियन बाहर से, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उनको आकर इक्विप करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये कहना कि उनके पास संसाधन नहीं थे ये शायद बहुत उचित नहीं होगा। हाँ, जैसे जैसे वो आते गए उनको संसाधन दिलाए जाते गए, उसमें से हो सकता है कुछ जगह कुछ देर थोड़ा देर हो गई, 5-7 दिन ज्यादा लग गए क्योंकि प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है बराबर, और उनके पास रिजर्व थे उन्होंने फौरन दिया, जो नहीं थे उसको फिर बनाने में थोड़ा टाइम लगा जी। तो जो स्नो बाइट फ्रॉस्ट बाइट जो हुई है ये और भी कारण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गम बूट टाइप का होता है बूट, उसके अंदर भी पानी में चला गया, जुराब बदलने का टाइम नहीं मिला आपको, या आपके पास दो जुराब थे दोनों गीले हो गए, आप चेंज नहीं कर पाए, तो और भी कारण है चिलब्लेन फ्रॉस्ट बाइट होने के। और अपने जज्बे से लड़े इस पे तो कोई शक की बात नहीं है। एम्युनिशन की अगर मान लीजिए आप कहते हो कमी है, तो देखिए रोड हेड से ऊपर तक एम्युनिशन को लाद के ले जाना ही एक एक्सरसाइज है, एक लड़ाई है, तो वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। उस बीच में अगर किसी को, जैसे मैंने कहते आपके पूरे जूते ही भीग गए, आपने पानी में चला गया पैर या बर्फ के अंदर घुस गया और आपने अपने जुराब नहीं बदले किए, तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। कर्नल देवानंद साहब मैं कर्नल देवानंद से कुछ पूछना चाहता हूँ। कर्नल देवानंद, क्योंकि क्या है कि भारत हमेशा निष्ठा के साथ दोस्ती निभाता रहा है, बार बार 1947 के बाद ही हमने कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कई बार दोस्ती की बात की, हमने निष्ठा के साथ अपनी मित्रता कायम रखी, लेकिन बार बार धोखे खाए। क्या क्या लगता है कि ये हमारी कमजोरी हो गई है धोखे खाना? क्या चक्कर है, और क्या कारगिल के बाद परिस्थितियां बदली है, या पुलवामा जैसी घटनाएं हमें बताती हैं कि धोखा तो अभी भी जारी है? जी देखिए साहब, पाकिस्तान वो कुत्ते की टेढ़ी दुम है जो टेढ़ी रहेगी, और हमारे जो 47 में जिन ताकतों ने भारत का विभाजन किया वो आज भी वैसा ही काम कर रही हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि कारगिल के टाइम पर जिस तरह का, जिस सरकार जो थी जो एक्शन लिया, हमें उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन अब जो ये जिस तरह की मानसिकता, क्योंकि सरकारें तो आज आती हैं कल चली जाती हैं, देश मजबूत रहता है, सैनिक वहीं खड़ा है, पर जो धोखे की बात है, मैंने जैसा बताया 98 के अंदर पाकिस्तान ने धोखा किया, और 99 में प्रधानमंत्री इधर वाजपेयी साहब और उधर वो दोनों चर्चा कर रहे हैं, साथ ही अपनी फौज को बोला पीछे से चाकू घोंप दो भारत के अंदर, विश्वास कैसे किया जाए। उसके बाद आप आइए साहब, भारत ने हर कोशिश की, इवन पिछली सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मैं कोई पार्टी विशेष की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये देशभक्तों की बात है, सैनिकों के उसके शौर्य की गाथा है, उन्होंने उनसे पीस का समझौता दिया, घर गए पाकिस्तान, उसने क्या किया, पहले कारगिल, फिर उधमपुर और फिर बालाकोट। तो ऐसे को जो जवाब दिया, मैं मोदी जी का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि वो भी हमारे देश के सैनिक की तरह उसने फैसला किया और बोला पाकिस्तान में घुस जाओ, ठोक दो, और बालाकोट के अंदर जो हमने उन उग्रवादियों को ठोका है तो पाकिस्तानी, उग्रवादी का तो नाम है, सारे के सारे पाकिस्तानी है। और ये जो अभी मानसिकता भारत ने दिखाई है, जो मजबूती दिखाई है, इस पाकिस्तान पे भरोसे करने की जरूरत नहीं है, जब तक ये टेररिज्म जो हरकतें बंद नहीं हो, मेरी भारत की जनता से भी गुहार है और मेरी प्रधानमंत्री महोदय से कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं है, कोई विश्वास नहीं, डंडा और लात उनके ऊपर चलने चाहिए, जिस दिन वो पूरा समर्थन बंद कर देगा और विश्वास के लायक हमें कोई भरोसा दिलाएगा तो ही विश्वास करना चाहिए, वरना साहब नहीं करना चाहिए। जी,
पहलाद महलाज साहब, पूरी दुनिया ने देखा हमारी वीरता को कारगिल के युद्ध में, लेकिन साथ ही साथ हमारी भारतीय सेना की संवेदनशीलता को भी देखा, क्योंकि जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट हमने देखी कि दुश्मन देश ने अपने जो मारे गए लोग थे उनको लेने से ही मना कर दिया, उसके बाद भारतीय सेना ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया। देखिए, जब उनके सैनिक जो शहीद हुए वो मरे थे यहाँ पे अपने इसमें, तो हमारी सेना ने उनके सैनिकों को बहुत अच्छा सम्मान दिया है। उनको बाकायदा हमारे मौलवी और वो फतवा पढ़ के और उनको अच्छी तरीके से दफनाया है। हम उनकी तरह क्रूर नहीं है कि उनके साथ अंग विच्छेद या वो करें। हमारे जवान हैं, हमारे जवानों का हौसला इतना अच्छा इसलिए रहता है, जो हमारे कमांडर होते हैं वो हमारे को कमांड एंड कंट्रोल पूरा रखते हैं और हमारे जवानों से प्यार करते हैं, उनके दिशा निर्देश सही देते हैं, सही रास्ता बताते हैं कि बेटा कैजुअल्टी कम और दुश्मन की कैजुअल्टी ज्यादा, और बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं बोल रहा हूं कि मेरे ऑफिसर्स हैं जो इतना प्यार करते थे कि मेरे बाप ने नहीं किया मेरे से जितना प्यार करते थे, इसलिए लड़ते हैं हमारे जवान। और इसलिए वो 6000 चटना, 12000 से 18000 चटना भी छोटा लगता है कि छोटी है ये जगह, ये भी बहुत छोटी है। अगर 20 होती, 22 होती तो वहां भी हमारे जवान चढ़ते हैं, ग्लेशियर के अंदर चढ़े भी थे 22000 की हाइट पे, और वहां पे भी हमने कब्जा कर रखा है। पहलाजी ऐसा कहते हैं, पहलाजी ऐसा कहते हैं, कर्नल साहब सैनिकों को लेने से मना कर दिया। कर्नल साहब, एक पहलाजी से एक मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय सेना के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की दूसरी सेनाओं के बारे में कहा जाता है कि वहां सैनिक आगे होता है और अफसर पीछे होता है, लेकिन भारत की सेना के बारे में कहा जाता है कि अफसर जो है, जो कैप्टन है, जो लेफ्टिनेंट है, जो कर्नल है, जो मेजर है, वो फ्रंट पे रहता है और उसके पीछे उसके टुकड़ी होती है। क्या प्रहलाद जी, क्या ये बात सच है कि हमारी जो सेना के अधिकारी हैं वो फ्रंट पे मोर्चा, हमारे अफसर हमारे साथ रहते हैं, एक कप में चाय पीते हैं हमारे साथ और कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ते हैं, और जब तक हासिल नहीं हो जाता जब तक साथ में रहते हैं। और सबसे पहले अफसर, ज्यादातर अफसरों का नुकसान भी इसीलिए होता है कि वो लड़ाई लड़ते हैं, साथ में लड़ते हैं और गाइड भी करते हैं, साथ में लड़ाई लड़ते हैं। उनके ऊपर तीन तरीके के लोड होते हैं, दुश्मन से भी लड़ना है, टुकड़ी पे भी कंट्रोल करना है, पीछे से कमांडरों के निर्देश भी मानना है। तो हमारे अफसरों को कोई किसी दुनिया की ताकत वो ही नहीं है कि इनसे अच्छे अफसर हो सकते हैं। मैं उनके साथ रहा हूं, पहले भी रहा था, आज रिटायर होने के बाद भी हूं, मेरे को जब भी अब भी होता है तो मेरे को एक सैनिक की तरह प्यार करते हैं हमारे अफसर, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। कर्नल मेहरा साहब, कर्नल मैं प्रहलाद जी को धन्यवाद करना चाहूंगा और इनको मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि हमें आपने इतना प्यार दिया, हम बहुत धन्य हो गए हैं। कर्नल मेहरा साहब, खुशी है कि भारतीय सेना वो एग्जांपल पेश करती है दुनिया में जहां प्यार का होता है। कर्नल मेहरा साहब, कर्नल मेहरा साहब, कारगिल युद्ध, मेहरा जी आपको हमारा सल्यूट। कर्नल मेहरा साहब, कारगिल युद्ध देश के लिए पहला ऐसा युद्ध था जिसे वाइड कवरेज किया गया, मीडिया में सबसे ज्यादा कवर हुआ, पहला ऐसा युद्ध था जिसकी एक एक पल पल की कहानियां मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी। क्या लगा आपको कि इस तरह के युद्ध के मैदान में युद्ध की कहानियां जनता से तक पहुंचती हैं तो सेना का मनोबल बढ़ता है, या स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है? क्या अनुभव कहता है आपका कि उस समय जो मीडिया कवरेज के कारण आपको लाभ हुआ था, इस युद्ध में लाभ हुआ था, या कोई दिक्कतें आई थी? देखिए, जब सेना लड़ती है तो उसका मनोबल जो है वो जनता ही बढ़ाती है। अगर जनता ही साथ नहीं है तो सेना का मनोबल उतना ऊंचा नहीं रह सकता ज्यादा देर तक। ये ड्राइंग रूम में आ गया हमारे, ये कारगिल का युद्ध हमारे ड्राइंग रूम में आ गया जी। हर एक को मालूम था कि ये लड़ाई चल रही है, हमारे ये जवान लड़ रहे हैं। इससे पहले तो खबर आती थी कि एक अफसर, तीन जवान मारे गए, आठवें पेज पे कहीं होता था, ना वो बंदा कौन मरा, उनके नाम कुछ नहीं दिए जाते थे, ना उनकी बॉडी आ पाती थी। या इस बार अगर जो जिस तरीके से कवरेज हुआ कारगिल के युद्ध के अंदर, लोगों को मालूम पड़ा कि सेना की क्या परेशानियां हैं, सेना कैसे लड़ती है, और ये कहना उनकी स्ट्रेटेजी मालूम पड़ जाएगी, लोकेशन मालूम पड़ जाएगी, मैं नहीं समझता ये सही है। सारी पहाड़ियां एक सी लगती है, अगर वहां 18 ग्रेनेड नहीं 3 जाट है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता को मालूम पड़ा कि किस तरीके से युद्ध हो रहा है, उनका मनोबल बढ़ा और जिस तरीके का सपोर्ट आया उसके बाद फौज के लिए,
हमें लगा कि फौज में नौकरी करना हमारा सुकारत लग गया। कर्नल देवानंद है, नहीं तो कोई हमको पूछता भी नहीं था, लड़ाई लड़के आ गए, पता ही नहीं लगता था। जब मैं सियाचिन में गया था 84 के अंदर जी, और तो उस समय इनिशियल लड़ाई हुई थी, शुरू हुई थी, मैं 84 में गया था, 6 बजे लड़के आया वहां पर, किसी को सिविल में पूछा, बोले कहां थे, बोले हम वहां पर एक ग्लेशियर है, बोले क्या ग्लेशियर का नाम, मैं कहा सियाचिन, बोले अच्छा चाइना गए थे यार। मतलब ऐसा शर्म आई उस आदमी से बात करने में कि हम तो अपने हड्डियां गला के आए हैं, इसको मालूम भी नहीं जगह कि अपने देश का कर्नल देवानंद साहब आपसे एक सवाल है। कारगिल का पहला ऐसा युद्ध था जब शहीद होते रहे और उनके जो शहीदों के जो अर्थियां हैं वो गांवों तक पहुंचाई गई, उसी समय पहुंचाई गई, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि गांव का गांव, शहर का पूरा कस्बा, जिला और पूरा राज्य और पूरा देश उन शहीदों के साथ जुड़े, उनके परिवारों के साथ। क्या इसने, क्योंकि ये युद्ध के दौरान ही हो रहा, कारगिल का युद्ध भी चल रहा है और अर्थियां भी घरों तक आ रही हैं, क्या इसने क्या जनता के विचारों को, माहौल को और कुल मिलाकर हमारी जीत में कोई योगदान दिया, क्या लगता है आपको? जी साहब, मैं इसको तीन हिस्से में कवर करूंगा। पहला, ये मीडिया के बधाई देना चाहूंगा, और इसने देशभक्त ताकतों को जोड़ा। सबसे पहले तो सैनिक जिनका मनोबल बढ़ा, इनकी बातें समाज तक पहुंची। नंबर दूसरा, जो देश की जनता को पता लगा तो देश का मनोबल भी ऊंचा हुआ। और तीसरा, जो डिप्लोमेटिकली जो इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज आई, इससे भी हमारा लाभ हुआ, सच्चाई पहुंची। अब आपने जो सवाल किया, बहुत अहम सवाल है कि जब अर्थियां आई, अरे साहब शहीद का दर्जा और अर्थी आना तो पता नहीं कितने जन्म लेते तो भी हमें प्राप्त नहीं होती, और ये तो सौभाग्य मानता हर सैनिक। मैं तो आज भी महसूस करता हूं, काश मेरे को भी तिरंगा मिलता, पर नहीं मिला, हम जितना योगदान कर पाए। और यही कारण था, देशभक्तों की टोली जब भी, ये उस समय की सरकार को बधाई देनी चाहिए, उससे पहले कभी सैनिकों का पता भी नहीं चलता था कि कहां पर शहीद हुआ है। यह पहली सरकार थी जिसने हर सैनिक को उसके पुश्तैनी जगह भेजा, और उसके माता पिता और उस मातृभूमि को वहां पर अग्नि देने का या उसको जो भी उसका अंतिम संस्कार करने का मौका मिला, और देश में देशभक्ति का जज्बा देने का मौका मिला, जो बहुत अच्छा संकेत था। बधाई के पात्र हैं उस समय जो भी लोग जिन्होंने फैसला किया। जी पहला साहब, अब आखिरी सवाल आपसे कि क्या कोई संदेश आप देना चाहते हैं जो तमाम शहीद, उनके परिजनों के नाम, पूरे देश के लोगों के नाम, और साथ ही साथ ऐसी ताकतें जो देश के खिलाफ कई बार इंटरनल तौर पर भी खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से भी देश को खामियां झेलनी पड़ती है, नुकसान झेलना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए जो हमारी शहीद जो वीरांगनाएं हैं उनके पीछे हमारा पूरा देश है, जो घायल है उनके पीछे हमारा पूरा देश है, जो हमारे सैनिक हैं उनके पीछे पूरा देश है, इनके अंदर किसी भी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। रही बात भविष्य की, तो बच्चों के लिए हमारी सेना बहुत कुछ कर रही है, सरकार हमारी बहुत कुछ कर रही है। उस टाइम जब युद्ध हुआ था तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे रक्षा मंत्री, वो मुझे याद है, मैं पहला घायल सैनिक था, मेरे को बाईपास पहचानने लग गए थे, तो श्रीनगर को सुबह होते थे दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल में मिलते थे हमारे घायलों से, दोपहर को श्रीनगर के अंदर, और रात का टाइम युद्ध के मैदान में। तो ऐसे रक्षा मंत्री अगर हमारे देश में मिलेंगे तो किसी दुनिया की ताकत नहीं है, किसी भी दुनिया की ताकत नहीं है कि हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देश के, हमारी देश की सेना बहुत मजबूत है, हमारे अफसर बहुत होशियार, दुनिया की आले दर्जे के अफसर हैं, जो हमारे को ट्रेन करते हैं, हमारे को कंट्रोल करते हैं, हमारे को प्यार करते हैं, और हमारे से काम लेकर के इस देश की सेवा करवाते हैं। जी प्रताप जी, तो मेरे जो जिस तरह की बात बोल सकता हूं साहब। जी बोलिए सर, बोलिए देवानंद जी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे अभी महिला साहब जी, बोलिए, जो महिला साहब अभी जिक्र कर रहे थे, हमारी लीडरशिप, कॉमरेडरी, दोस्ती, भाईचारा, सरकारें, इसके साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कारगिल रिव्यू कमेटी जो हुई थी 2002 के अंदर उसने एक रिपोर्ट दी थी,
और वहां पर उनके चार मुख्य बिंदु निकल के आए थे। पहला था कि हमारी जो लीडरशिप है उसकी जो कर्नल लेवल की उसकी एज कम होनी चाहिए। बधाई की पात्र है आज की जो भी सरकार है, उन्होंने इसको सफलतापूर्वक किया है। दूसरा, जो इंटेलिजेंस हमारी कमजोरी थी उसके अंदर दो एक्शन लिए इन्होंने। उस रिव्यू कमेटी ने बताया था कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और NTRO बनाई जाए, इस तरह की संस्थाएं जो 2002 में उन्होंने बना दी थी, और वो भी एक अच्छा कदम था। और लास्टली जो एक कदम था वो हमारा था कि CDS कमांड डिफेंस सर्विसेज जो होता है इसका, सॉरी अपना चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, उसके लिए जो कदम उठाने थे उसने हमारी कारगिल कमेटी ने जो बताया। मैं मानता हूं कि अभी तक हुआ नहीं है, पर इस सरकार ने काफी हद तक आगे कदम उठाए हैं। जी जी जी। और एक लास्टली जो इसके अंदर था कि जो आर्मी के अंदर जो हमारी आर्मी है उसको एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। मैं नहीं समझता हूं उसका, मुझे अभी तक कोई ज्ञान नहीं है, पर जो रिव्यू कमेटी ने जो स्टेप्स दिए उनका काफी हद तक समाधान हुआ है। और लास्टली बहुत अहम हिस्सा, हेमंत, हेमंत, एयरफोर्स को राइट टाइम पर यूज नहीं करते थे हम लोग। जी जी, कर्ण साहब, जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, ठीक कर्ण साहब, आज के दिन ठीक ठीक कर्ण साहब, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उस कर्ण साहब, ठीक है, संक्षेप में कुल हेमंत, जो शहादत हमारे वीर जवानों ने कारगिल के समय दी, तो एक ही बात ध्यान आती है, देश से है प्यार तो हर गिज ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं देश रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं जी ये देश रहना चाहिए। ये शहीदों का संदेश है हमारे देश के लिए, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल, ये जो संदेश है वो आखिरी छोर तक जाए, माटी के हर कण कण तक जाए, और हमारे नौजवानों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, जो तमाम शहीद हैं उनके परिजनों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। आज की इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल नीरज मेहरा साहब, कर्नल देवानंद जी और प्रहलाद मेहरा साहब, प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के हर जो सैनिक की ये कामना होती है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हों, और इसीलिए कुछ पंक्तियां कवि ने इसी तरह से कही हैं कि मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर, देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाते वीर अनेक। नमस्कार।